नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। पुलिस लाइन मिर्जापुर स्थित सभागार कक्ष में यातायात माह नवंबर 2022 का किया गया शुभारंभ। मंडल आयुक्त विंध्याचल मंडल व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के साथ पुलिस लाइन मिर्जापुर स्थित सभागार कक्ष में यातायात माह नवंबर 2022 का किया गया शुभारंभ। पुलिस लाइन मिर्जापुर स्थित सभागार कक्ष में मंडल आयुक्त विंध्याचल मंडल जनपद मिर्जापुर योगेश्वर राम मिश्र व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर आरपी सिंह द्वारा जिला अधिकारी मिर्जापुर दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा के साथ यातायात माह नवंबर 2022 का शुभारंभ किया गया। यातायात जागरूकता संबंध में स्कूली छात्र छात्राओं व एनसीसी कैंडिडेट को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। यातायात संबंधी नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। जन जागरण को प्रभावी बनाए जाने हेतु यातायात जागरूकता चेतना रथ व स्कूली छात्र छात्राओं एवं एनसीसी कैंडिडेट द्वारा यातायात जागरूकता रैली को पुलिस लाइन से मंडल आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा जिला अधिकारी मिर्जापुर व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के साथ हरी झंडी दिखाकर पीएसी बैंड पार्टी व आरक्षी गण सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ रवाना किया गया। यातायात माह नवंबर 2022 के दौरान जनपद के विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में यातायात पुलिस व स्वयंसेवी समूहों के सहयोग से नुक्कड़ नाटक पेंटिंग निबंध लेखन एवं अन्य आयोजनों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यातायात जागरूकता चेतना रथ द्वारा जनपद में भ्रमण कर आम जन को यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपर जिलाधिकारी मिर्जापुर अपर पुलिस अधीक्षक नगर व ऑपरेशन क्षेत्राधिकारी नगर क्षेत्राधिकारी यातायात क्षेत्राधिकारी लालगंज आरटीओ प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक यातायात प्रभारी सहित विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शिक्षकगण व पुलिस कर्मचारी गण मौजूद रहे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।